बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ अरूज फातिमा एंड वेलकम टू माय चैनल। टुडे आवर टॉपिक इज़ स्लैंग्स। ये वो वर्ड है जो मोस्टली आप सब ने सुना हुआ होगा और काफ़ी लोगों ने यूज़ भी किया होगा। स्लैंग्स आर बेसिकली द वर्ड्स दैट वी यूज़ इन आवर इनफॉर्मल लैंग्वेज, और ये वो वर्ड्स होते हैं, वो वोकैबुलरी वर्ड्स होते हैं जो हम लोग रूटीन में यूज़ करते हैं, इनफॉर्मल चैटिंग में यूज़ करते हैं, फ्रेंड्स के साथ बात करते हुए या कुछ भी। बेसिकली स्लैंग्स में हम कॉलोकियल लैंग्वेज यूज़ करते हैं। कॉलोकियल मीन्स इनफॉर्मल, इनफॉर्मली जो बात की जाती है वो स्लैंग वर्ड्स कहलाते हैं। ओके, हो गया। इसके बाद हम बात करेंगे इसकी हिस्ट्री और वर्ड ओरिजिन की। ये ग्रीक वर्ड सिलेंजा से निकला है, जिसका मतलब है टू थ्रो। ये नहीं कि आप उठा के कोई चीज़ मार दो, इट मीन्स आप कैजुअली कोई भी बात कर दो, जो मुँह में आए बोल दो, इस तरह वाला। इसके बाद हमारे पास इसकी हिस्ट्री है, जिसमें हमें पता चलता है कि किस तरह 16th century से 19th century में ये अपग्रेड हुआ है। इसके बाद हमारे पास स्लैंग्स के करेक्टरिस्टिक हैं। एक तो ये इनफॉर्मल होता है, दूसरा ये एरिया स्पेसिफिक होता है, तीसरा ये आप किसी स्पेसिफिक ग्रुप के साथ बात करते हो, और चौथी बात ये कि ये चेंज होता रहता है। अब जिस तरह ग्रोवी वर्ड है, इट मीन्स टू फ्रीक आउट, लेकिन अब ये आजकल के टाइम में यूज़ नहीं किया जाता है। नाउ वी हैव एग्जाम्पल्स ऑफ स्लैंग्स। लास्ट वीडियो की तरह इस दफ़ा भी मैंने डिफरेंट काइंड ऑफ स्लैंग्स की कैटेगरी बना दी है, सो लेट्स स्टार्ट विद इट। सबसे पहली कैटेगरी जो हमारे पास आती है, दैट इज़ कॉमन स्लैंग्स, जो हम रूटीन में यूज़ करते हैं। जिस तरह के माई मिस्टेक के लिए आप कह सकते हैं माई बैड, क्रेजी के लिए यू कैन से नट्स, नो प्रॉब्लम के लिए नो बिगी। देन वी हैव इंटरनेट स्लैंग्स, जो आजकल की जेन जी यूज़ करती है, यानी कि आपने सुना होगा डूप मीन्स कूल, क्रैश मीन्स स्लीप, बीट मतलब टायर्ड, आई एम सो बीट इट मतलब कि मैं बहुत टायर्ड हो गया हूँ। देन आई हैव फ्यू एग्जाम्पल्स फॉर यू। ये आप सब ने सुना होगा, हाई की, लो की, लो की मतलब सीक्रेटली किसी को पसंद करना, हाई की मतलब ओपनली पसंद करना, स्टैन डाई हार्ड फैन होना किसी बंदे का, मिड का मतलब होता है एवरेज, टी का मतलब होता है गॉसिप। इसके अलावा और बहुत सारे हैं जो हम लोग रूटीन में टीनेजर्स यूज़ करते हैं। देन वी हैव ब्रिटिश स्लैंग्स, जो ब्रिटिश लैंग्वेज में यूज़ किए जाते हैं। पिक्चर के अलावा इसके कुछ एग्जांपल्स ये हैं, जिनमें आप सबको पता होगा मेट, फ्रेंड या बडी को कहते हैं, गॉब ऑफ मीन्स टू टॉक नॉनसेंस, फजूल की बात करना, गॉब स्मैक मीन्स आप बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाओ किसी चीज़ से। ये सारे ब्रिटिश स्लैंग्स के एग्जांपल्स हैं। नाउ वी हैव अनदर कैटेगरी ऑफ अमेरिकन स्लैंग्स। पिक्चर में एग्जाम्पल्स भी हैं जिनको हम मोस्टली यूज़ भी करते हैं। उसके अलावा जो एग्जाम्पल्स हैं वो हैं, नो कैप मीन्स नो लाई, मैं झूठ नहीं बोलने वाली, सिंपल सी बात है। बेट हम मोस्टली यूज़ करते हैं, दैट मीन्स ओके या येस करवाने के लिए, कोई चीज़ कंफर्म करवाने के लिए यूज़ करते हैं। लिट मीन्स एक्साइटिंग, कुक मीन्स टू बी सो एक्सीलेंट इन समथिंग, और सेविज जो आजकल हर कोई बना होता है सिग्मा टाइप, मतलब कि कुछ भी बोल दो, मतलब किसी ही बात ना सुनने वाला मैं तो मुंह पे कुछ भी बोल देती हूँ, बदतमीज़ कह लो इसको। देन वी हैव फैशन स्लैंग्स, जो मोस्टली गर्ल्स के लिए बड़ा अच्छा लगता है, बॉयज़ के लिए भी होता है, जिसमें कुछ पिक्चर्स में एग्जाम्पल हैं और उसके अलावा हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स भी हैं। आउटफिट की शॉर्ट फॉर्म फिट है, स्ले तो हर कोई बोलता है, यू आर स्लेइंग दिस आउटफिट। सिक मतलब के कमाल का लगना, एक्सीलेंट लगना। फायर मतलब बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली स्टाइलिश होना। नाउ वी हैव माय फेवरेट कैटेगरी, दैट इज़ टीनेज स्लैंग। मेरी फेवरेट तो गोट है, जिसको रोनाल्डो को कहा जाता है गोट। उसके अलावा सिचुएशनशिप, बसन, रिज, उसके अलावा बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो मैंने यहाँ पे डिस्क्राइब भी किए हैं। अगर आप इन सबको पढ़ेंगे आपको पता चलेगा कि आजकल की टीनेज या जेन जी इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे इन सबको कितना यूज़ कर रहे हैं, मतलब कितना। स्टैन हो गया है, फिना हो गया है, कैप हो गया है, सीईओ ऑफ समथिंग, ग्लोब ट्रेंड्स भी चल रहे हैं, ये सारे स्लैंग्स हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक स्लैंग था फैम, दैट इज़ बेसिकली रेफर्स टू फैमिली, बट हम अपने फ्रेंड्स को कहते हैं फैम, दे आर माई फैम, दे आर माई फैमिली। Here's an other list, जिसमें मेरा फेवरेट क्रिज है, ड्रिप है और एक्स्ट्रा भी है, गूची भी कह सकते हैं। हेंस आपको बताने का मकसद ये है कि टीनेज स्लैंग्स मोस्टली बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। कंक्लूजन में आपके पास सारी बात वही है कि इनफॉर्मल लैंग्वेज होती है, नॉर्मली कम्युनिकेशन में आप ये यूज़ करते हैं। दैट वॉज ऑल अबाउट स्लैंग, होप सो आपको ये वीडियो समझ आई हो। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।